वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की क्यूज का वीडियो रोज़ रात के 9 बजे मिल जाएगा। इस क्यूज में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। और इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये क्यूज अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की क्यूज स्टार्ट करते हैं। आज की क्यूज का पहला क्वेश्चन है, गांधी नॉन वायलेंस फाउंडेशन और अन्य समूह के सहयोग से किस देश में एक हफ्ते तक 150वीं गांधी जयंती मनाई जाएगी। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया की ओर से जारी की गई टॉप 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये नाम है अनुष्का शर्मा का। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमाओं के इतिहास को नए सिरे से लिखने की योजना को किसने मंजूरी दे दी है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े सौर पार्क की स्थापना कहां पर किया जाएगा। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के द्वारा हाल ही में भारत की वायु सेना को सौंपे जाने वाले पहले राफेल लड़ाकू विमान का नाम किसके नाम पर रखा गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, RKS भदौरिया के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा घोटाले के बाद किस कंपनी ने करीब 400 डेवलपरों से जुड़े हजारों ऐप को निलंबित कर दिया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये कंपनी है फेसबुक। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को 2018 के राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 22 वैज्ञानिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में स्कॉर्पिन क्लास की दूसरी पनडुब्बी INS खंडेरी को लॉन्च किया गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी धन प्राप्त करने वालों के लिए किसने हाल ही में विदेशी फंड नियम कानून में बदलाव करने की घोषणा की है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार कौन सा दिवस मनाया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, विश्व मरीज सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, ये सभी, बॉक्साइट, डोलोमाइट, लोह अयस्क और टिन छत्तीसगढ़ राज्य में
मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के यहाँ कहाँ पर आयोजित वार्षिक सन में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग है? एक। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, अंडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, कोबाल्ट 60। इसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, उत्तराखंड में। ये थी आज की क्विज। आज की क्विज में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये क्विज अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं इसी टाइम नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।